बैजनाथ पपरोला रेलवे ट्रैक में शुक्रवार को स्टीम इंजन में विदेशियों ने सैर कर धौलाधार की पहाड़ियों का खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान उनके साथ आए रेलवे विभाग के DRM विवेक कुमार ने कहा कि इस रेल ट्रैक को हेरिटेज का दर्जा दिलवाने के लिए रेलवे विभाग प्रयासरत है। पपरोला रेलवे स्टेशन में शुक्रवार को स्टीम इंजन में विशेष डिब्बों में 2 टूर गाइड के साथ इंग्लैंड से 12 विदेशी पर्यटक धौलाधार की पहाड़ियों का लुत्फ उठाने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आए रेलवे विभाग के DRM विवेक कुमार ने बताया कि बेशक ये रेल ट्रैक विभाग के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए विभाग इस ट्रैक पर रेलगाड़ी चलाने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टीम इंजन को चार्टर रन के तौर पर चला रहा है और समय की मांग पर स्टीम इंजन के रूट को और स्टेशनों तक बढ़ाने पर रेलवे विचार करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग का प्रयास है कि पूरा साल भर ट्रैक लोगों की सुविधा के लिए चले। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टीम इंजन की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी, लेकिन टूर एंड ट्रेवल से इसकी बुकिंग की जा रही है, जिसकी लागत करीब 1.5 लाख के करीब पहुंच रही है। वहीं रेलगाड़ी के चालक मते सिंह और सहयोगियों ने बताया कि अगर ये इंजन माह में 2 बार चले तो पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। इस मौके पर उनके साथ अश्विनी कुमार, नजीर हुसैन, मोहन सिंह और संजय आदि मौजूद रहे। सर, इसकी बुकिंग जो है ऑनलाइन है या कैसे है जी? बुकिंग ऑनलाइन तो नहीं है। कैसे करेंगे जी, जैसे कोई बुक करना चाहे? नॉर्मली देखिए, ये कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, कोई टूर ऑपरेटर ही करते हैं, वो जानते हैं, वो सीनियर DCM फिरोजपुर जी से कॉन्टैक्ट करके इसकी बुकिंग होती है। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।